हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत प्यार करने वाले से, बहुत हम भी प्यार करते हैं, करते ही रहेंगे। हम भी हमेशा हम आएंगे, जब खुलेगा वीजा हम जरूर आएंगे। बिल्कुल, इंडिया जरूर आएंगे, आपके साथ रहेंगे। हाँ जी, तो वीडियो काफी ज्यादा अच्छी, मतलब यार आ रही है आजकल, बहुत ज्यादा मजा भी आ रहा है हमें देखने में। तो आप भी हमारे वीडियोस को जैसा शेयर कीजिए। तो आज की जो वीडियो लेकर आए, इस वीडियो का नाम है कि पावर ऑफ हनुमान जी। हनुमान जी की बेस्ट शॉर्ट्स वीडियोस देखने वाले हैं इस वीडियो में, मजा आएगा देखने में। प्लीज वीडियो कहीं तक देखेगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। चलिए, वाह क्या बात है, पर्वत पर सामने जो आप देख रहे हैं वो है अंजनी माता की गुफा। जी हाँ, वही प्राचीन गुफा जहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। अभी हम अंदर जाते हैं। अच्छा, ये है क्योंकि अभी हम है हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनेरी पर्वत। अभी दो आंसू चढ़ा देना तुम जाकर उसके द्वार पर और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। देखना जिंदगी की खुशी, पैसा चढ़ा दिया तो हनुमान प्रसन्न हो गया। मेरा हनुमान पैसे से नहीं, मेरा हनुमान संपत्ति से नहीं, मेरा हनुमान तो राम नाम जपो विपत्ति से खुश हो जाए। राम जी से मोहब्बत इतनी है इनको क्या? राम ललाट पे शोभित चंदन रघुपति की जय। भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान मांगो। बोले क्यों, जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की क्या। तुम हनुमान जी के बन जाओगे, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं और बहुत प्रसन्नता पूर्वक कह सकते हैं बड़ा मलेरा के पागलो, कि जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, संकट मोचन बनकर बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ। आत्मा को मिलता आराम, और इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसको कभी असफलता का मुंह ना दिखा। लेकिन इस पूरी सृष्टि के अंदर ये एकमात्र ऐसे नायक हैं जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। मॉल है, लेकिन कोई संकट इनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सका, इसीलिए इनको संकट मोचन दिया। इसीलिए एक बार मेरा ऐसा हुआ था कि मेरे कोर्ट में एक मेरा मैटर था, आर्गुमेंट भी करना था, फाइनल आर्गुमेंट, पर उस वो केस मेरे लिए बहुत सीरियस था और मुझे ऐसे लगा कि एक बार हनुमान जी के पास जाके आशीर्वाद ले लूँ। पर जब मैं वहाँ मंदिर में चली गई तो वहाँ के जो पंडित थे वो हनुमान चालीसा बोल रहे थे, मैं भी वहाँ पर बैठ गई। और फिर बैठने के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा टाइम चला जा रहा है, कोर्ट में चला जा रहा है और कोर्ट ख़त्म भी हो गया। फिर बाद मेरे को बात पता चला कि मेरे को आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाना था कोर्ट में। मैं भाग के गई कोर्ट में, उस जज को पूछा भी मेरे मैटर का क्या, वो बोले कि अरे तेरा आर्ग्यूमेंट हो गया और ऑर्डर भी निकली है, तूने कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट किया। मैंने बोला मैं तो गई नहीं, तो तब मुझे पता चला कि मैं हनुमान मंदिर में बैठी थी और हनुमान आके चले गए और वो ऑर्डर की कॉपी आज अभी भी मेरे साथ हमेशा रहती है और वो मैं जीत गई। क्या बात है, अयोध्या नाम दूत है।
बच्चा बच्चा ये है शेरगा ओहो देख लो भाई स्पीड देखना भाई लड्डू समझ के सूरज के पास है उड़ के वो चांद पास ओहो ये है अब देख लो स्पीड भाई थी आज की वीडियो थी यार बड़ी कमाल की हनुमान जी की पावरफुल शॉट्स थी मजा आया कैसा लगा हमें बड़ा मजा आया पावरफुल शॉट्स देख हनुमान जी की आपको पता है कि भाई वो केसरी नंदन उनको बोला जाता था और उनका बचपन में मतलब उनकी मैंने ना पूरी सीरीज हनुमान जी की देखी जब वो छोटे थे और उनकी मतलब बहुत ज्यादा उनमें पावर्स थी और उन्होंने वो जो है ना चांद उनको मतलब पता नहीं यार क्या समझ के तो वो वहां तक चले गए थे उसके बाद उनकी जो शक्तियां है ना वो कम की गई थी तो उनकी माँ को डर था कि ये तो जो दुनिया से भी बाहर निकल गए हैं तो उसके बाद लेकिन जब श्री राम जी उनको मिलते हैं ना तो तब उनकी फिर से उनको शक्तियां लौटा दी जाती हैं और बाद में फिर वो किस तरह से हनुमान जी जो है मतलब श्री राम जी से मिलते हैं और कितने देर पहले ही उनको पता चल गया था कि वो एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो जिनकी मतलब हेल्प करनी होगी हनुमान जी को तो फिर जब वो श्री राम जी का उन्होंने एक चित्र भी बनाया हुआ था एक पहाड़ी के ऊपर और किस तरह से फिर वो उन्होंने उनकी इतनी ज़्यादा हेल्प की सीता जी को ढूंढने में फिर और कितना कुछ अपना मतलब इतनी प्योर मोहब्बत सच्ची मैंने देखी जितनी हनुमान जी इतनी मोहब्बत कर हो यार वो अम्मी मैं आपको एक बात बता पता क्या होता है सिंदूर होता है ना जो लेडीज लगाती है वो मतलब हनुमान जी है ना उन्होंने उनकी वाइफ जो है सीता जी मतलब राम जी की उनको पूछा कि आप ये क्यों लगाती हैं बोलते हैं कि मेरे पति को ना ये मेरा सिंदूर लगाना बड़ा पसंद है तो उन्होंने अपने जिस्म पे अपने सब जगह पे ना सिंदूर लगा लिया कि वो उनको थोड़ा सा इतना पसंद है तो वो तो फिर मैं पूरा लगा लूंगा तो मैं कितना ज्यादा राम जी को पसंद आऊंगा यार इतनी यार मोहब्बत कभी नहीं देखी इतनी प्यार मोहब्बत एक भक्त में और इस तरह से राम जी में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और जब उनका आखिरी टाइम भी आया तो उनके जाने के बाद भी लोगों को जब हौसला नहीं था रहा उन्होंने बोला था कि राम जी तो मेरे दिल में उन्होंने अपना दिल खोल के दिखाया तो उसमें राम जी की तस्वीर नजर आई थी लोगों को तो यार बड़ा मजा आता है इनकी पावरफुल शॉर्ट्स देखने में खासतौर पर और बड़ा अच्छा लगा ये देख के उम्मीद करते हैं आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलता है एक और वीडियो में थैंक यू।